करनाल की धरती से अमित शाह की हुंकार। 400 पार करना है या नहीं करना है। बीओके हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहे। राम मंदिर का नाम बनेगा बीजेपी का काम। 70 साल से राम मंदिर को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। कश्मीर के मुद्दे पर शाह का दो टूक जवाब। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। वन रैंक वन पेंशन, बढ़ी कांग्रेस की टेंशन। वन रैंक वन पेंशन का मसला किसने लटकाया हुडा जी? आपने ही लटकाया। शाह का दावा, कांग्रेस ने किया था छलावा। छठे चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीट पर चुनाव होने हैं, जिसमें बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराना चाहती है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल से चुनावी हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा की पहचान धाकड़ खिलाड़ी, सेना और किसान है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर वन दिखाई पड़े। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। करनाल की धरती से अमित शाह ने पाकिस्तान और कांग्रेस को दो टूक शब्दों में कह दिया कि पीओके कश्मीर का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए अमित शाह ने कहा कि धारा 370 हटने से कश्मीर में शांति आई है। ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेने। अरे खड़गे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है। ये मणिशंकर अय्यर कहते हैं। मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी का जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के चुनावी एजेंडे में था, जिसे पीएम मोदी की पहल पर देश पूरा होते देख रहा है। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए पूछा कि 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटका कर क्यों रखा था। हुड्डा साहब, जवाब देना आप जरा इस बात का करनाल वालों को, 70 साल से राम मंदिर को अटका कर, लटका कर, भटका कर रखा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में भूमि पूजन भी किया, केस भी जीता और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। अमित शाह के आरोपों की बौछार इतने पर ही नहीं रुकी। शाह ने राहुल गांधी से पूछा कि संवैधानिक पद पर बैठे जाट नेता जगदीप धनखड़ का अपमान क्यों किया था। वहीं किसानों के मुद्दे पर आंकड़े पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि पहले किसानों के लिए बजट मात्र 22,000 करोड़ था, लेकिन बीजेपी की सरकार में किसान बजट बढ़कर 1,25,000 हुआ है। धान खरीद के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहले 76 लाख किसानों की धान खरीद होती थी, लेकिन मोदी के शासन में 1,22,00,000 करोड़ किसानों की धान खरीद होती है। ये कांग्रेस पार्टी के राहुल बाबा किसानों की बात करते हैं। मैं आज यहाँ से उनको पूछने आया हूँ, एक किसान के बेटे जगदीप धनखड़ जी का
आपने अपमान करने का काम किया। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ जाट किसान का नेता जगदीप धनखड़, उसको आपने अपमानित करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार आई उसके पहले कांग्रेस सरकार का किसान बजट 22,000 करोड़ था। ध्यान से सुनिएगा, 22,000 करोड़ कितना था भाई? और मोदी जी ने 10 साल में इसको बढ़ाकर 22,000 करोड़ से 1,25,000 करोड़ करने का काम किया। अमित शाह ने करनाल में हुए विकास कार्यों का भी बखान किया और दावा किया कि मनोहर राज में बिना किसी भेदभाव हर वर्ग के हित में काम हुए हैं। बता दें कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 लोकसभा सीट पर कमल खिलाया था और इस बार भी बीजेपी की कोशिश यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।